ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा कॉकरोच से मछली ट्राई किया वाला। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आज सैटरडे है, अनदर वीकेंड। तो बहुत दिनों के बाद आज फिर से नदी जा रहे हैं, नदी फिशिंग करने के लिए। बाकी यहाँ पे ये जुंगा, यहाँ पे आश्विन सिंह, और यहाँ पे हमारा पूरा साजो सामान। आज देखते हैं, कल जुंगन ने कल बहुत बड़ा मछली पकड़ा था योंगो से, तो आज उसको देख के लालच होके आज जाके देख रहा है, देखिएगा आज पोपट होगा या मछली मिलेगा। लेट्स गो। ये मोटा आदमी इसके साथ जा रहा है। कल लेकिन असली मागुर था ना, मागुर था है पियला। योंगो में मागुर मिलना, लेकिन वो उसका फोटो दो ना, उसको फोटो दे देगा। कैसे था निकलते समय एक्सपीरियंस कैसा था मागुर? हां, हम तो सोचे वो था मोबाइल बोल के ना। हां, क्योंकि मागुर तो एक्सपेक्ट करेगा क्या कोई नदी से ना, वही तो। वेट 3 किलो 400 कुछ ग्राम था मागुर। 3 किलो 400 ग्राम। बाप रे, 3 किलो 400 ग्राम मतलब लगभग 3.5 kg वाला मागुर मछली, कैटफिश जुंगा पकड़ा है कल, वो भी योंगो नदी से। मतलब वो तो अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल चीज़ है, लेकिन हमने खुद देखा था वीडियो कॉल में। देखता है आज क्या मिलता है हमको। नहीं, जुंगा कौन से भी हो जाएगा। ये मेरा हथियार। आज कहाँ जाएगा? लेकिन फिर से वही सेम स्पॉट कहीं जाएगा बोल के, कहीं नहीं जाएगा। जा रहा है पता नहीं। तो मौसम कुछ ऐसा है आज, ज्यादा धूप भी नहीं है, बारिश होगा जैसा लग रहा है। सनरूफ नहीं है ना, ये करना पड़ता है। पता नहीं, इस बाहर निकलने के मजा लग रहा है। पोपती बस्ती पार कर रहा है और सनरूफ नहीं है ये गाड़ी में। तो बोला मेरा गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, मारुति। और पोपती का ठीक ये पार्ट ऐसे होता है, ये पार्ट कभी ठीक नहीं हुआ। कहीं जगह बोल रहा था, लेकिन प्लान चेंज हो गया। और यहाँ में आर्मी वाला, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। हो ये हाँ, तो ये बादाम ड्रिंक्स पी गए। हो गया सामान वामान लेके। Yes, this is the Bene Bridge। फिर से आ गए हम यहाँ। और यहाँ फिशिंग करना अलाउड नहीं है बाहर के लोगों को। हम भी बाहर के हैं, लेकिन मैंने परमिशन मांगा है एक मामा से। और क्या फिशिंग, हमको तो मछली मिलने वाला है ही नहीं शायद। जुमका कल यहीं से कैटफिश निकाला था, अबव 3 kg। कल चारा में क्या डाला था पप्पू? कॉकरोच डाला था, कॉकरोच। हम तुमको एक आइडिया बताएगा, इसको पूरा खुल दो, नया डालो। तो यहाँ में पूरा हथियार का बंदोबस्त हो रहा है, तैयारी। और वहाँ में सुंदर सुंदर लड़की नहा रहा है। सुनो सुनो लड़कियाँ, हम तुमको अच्छा से बोले, तेरा वो कास्ट करने से जाएगी नहीं। रोशी को हम खुलो, मेरे इधर नए एंट्री हम डालो बोला है। तो ये देखो ना, जमीला है ना डालने के लिए, कुछ नहीं। उसको तो तुम सिर्फ खुल के रोल करने से कास्ट करके देखो, तेरा रोशी जाएगा। ये सब फ्लाई फिशिंग लुक के लेना है, जो ऐसे पानी ऊपर में तैरने वाला फ्लाई फिशिंग है, उसका वही लेना है, उसका रखते हैं। ये झमेला दिखता है, इसको चेंज करो बोल रहे दूंगा। तो गाइस, हमारा लगभग ये फिशिंग रोड बन के तैयार, हुक भी लग चुका है, वेट भी लग चुका है। अब बस यहाँ पे चारा डालना है। और चारा के लिए यहाँ पे हम लोग का कॉकरोच, तो ये होगा चारा, इसके अंदर कॉकरोच है। ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा कॉकरोच से मछली ट्राई किया वाला। हेलो, तो पहला बार कॉकरोच से ट्राई करेगा। लेट्स गो। तो यहाँ से अभी दोस्तों एक स्पॉट तलाशना पड़ेगा। यहाँ में खड़ा करेगा, यहाँ से उस तरफ कास्ट करेगा। फालतू उसको तुम बीच से तुम वापस करना पड़ेगा, पूरा री से खुलो तुम वापस, ऐसे तुम लाने पड़ेगा। बस अभी वेट एंड वॉच। ये क्या जा रहा है, प्रो है ये प्रो कर डूम चौक का डूंगूर करो, वापस करो। लॉस है ना, लॉस नहीं है तेरा, खराब हो गया ना, दूर फेंकना पड़ेगा ना। पास ये देखा हम भाई है। कल कहाँ से निकाला था मागुर? 3 काटा, 1 2 कहाँ गया, 3 कहाँ गया, वाह इतना दूर। बाकी का इतना मजा से होता है नदी में, हम फ्लोप होने के लिए बनाए लगते हैं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में फंस गया। ये तीसरा शिकार मछली को समोसा बना के भेज रहा है। ये चौथा बेट है ना, तेरा फोन को लेके चला जाएगा पानी में। मुर्गी का पेट। मेरा रस्सी फंसा हुआ यही कहीं में, ज्यादा अंदर से नहीं जाएगा, पानी पूरा इसके तुम्हें तो तलना पड़ेगा। तो गाइस मेरा रोड यहाँ पे लगा के रखा है, बाकी सब वहाँ पे है। एक बार ये पूरा व्यू देख लो भाई। लगता है बारिश गिरने वाली है अभी, और कुछ करने का नहीं है, बस इंतजार करो मछली फंसने का। मछली फंसेगा तो फंसेगा, नहीं फंसेगा तो नहीं फंसेगा, लेकिन टाइम पास मस्त हो जाता है भाई नदी आके। गाइस एक बात पूछना था, शांति तो है लेकिन मेरे आंखों के नीचे ये जो डार्क सर्कल देख रहे हैं ना, इसको ठीक करने का कोई आइडिया बताओ भाई, कमेंट करके बताना प्लीज़। क्रीम वगैरह कुछ भी कॉस्मेटिक चीज़ तो मैं यूज करता नहीं हूँ, कुछ भी नहीं आता ही नहीं यूज करना। किसी को पता हो तो बताना कमेंट करके प्लीज। फंस भी जाओ एक तो फंस जाओ एक। तो भाई अभी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, वहाँ सब 3-4 जगह लगा के रखा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अभी इसे लेके इस तरफ कोशिश करते हैं, यहाँ आया हूँ, देखते हैं कोई स्पॉट मिलेगा क्या अच्छा वाला, वहाँ ट्राई करेगा। हमेशा से बस एक ही डर रहता है कि ऐसे घूमते वक्त सांप ना मिले, सांप से मुझे बहुत डर लगता है। तो यहाँ भी कोई स्पॉट तो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ ट्राई करेगा क्या। यहाँ से उतर जाते हैं, यहाँ खड़े होके वहाँ कास्ट करेंगे। तो यहाँ कास्ट कर दिया। यहाँ तो अभी और शांति है गाइस, कोई भी नहीं है, सब इस पहाड़ के उस तरफ है, पीछे तरफ है। वे अकेला आराम से मस्त यहाँ बैठा हुआ है। तो चले गाइस इसको ऐसे रहने देते हैं और चारा लेकर आते हैं, क्योंकि 3 बार हो गया एक ही चारा यूज कर रहा था। नया चारा लेकर आते हैं, पता नहीं उन लोगों को मिला या नहीं मिला। अरे दादा कुछ हुआ? वही तो थोड़ा थोड़ा खींचता है ना लेकिन लपकता नहीं है अच्छा से। ये जंपिंग यहाँ से अभी 2 कॉकरोच लेके जाएगा। तो ले जाओ ना पूरा, चाहिए उनसे बोलो। हाँ बाकी सब चला गया, आश्विन सिंह बाकी सब चला गया, सिर्फ मैं और जुंगे बचे हैं। और बारिश आ गया। भाई बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, और वहाँ मेरा पैंट में मेरा दूसरा फ़ोन है, वो भीग जाएगा। कहाँ रखूँ उसको, ये गड्ढा में रख देगा क्या? हेलो कोई बात नहीं, यहाँ साइड में रख देता हूँ। यहाँ पॉकेट में फ़ोन है, ये भीग जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। बाकी बारिश तो यहाँ से भी आ रहा है। ओए यहाँ से कहाँ से आ रहा है बे? इसको पहन ही लेगा। तो गाइज बारिश तो काफ़ी तेज़ हो गई है। मैंने फ़ोन को झूम के जहाँ अपना फ़ोन को रखा है पॉलीथीन, वहाँ पॉलीथीन में डाल दिया और ये पेंट को वापस पहन लिया। इतना जल्दी वापस नहीं जाएगा आया ये तो। और मछली भी तो कहाँ मिला ही नहीं एक भी। पूरा पत्थर स्लिपरी हो गया, पहले जो सूखा सूखा था। कसम से यार बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है, आधा घंटा ज़्यादा हो गया बारिश शुरू के बाद। यहाँ ऐसे ही खड़ा हो पहले से, एक मछली तो लग जाओ भाई। बारिश गिरा, फिर रुका, फिर अभी थोड़ा गिरा, फिर अभी रुक गया। और पूरा नदी में तो पूरा फोग भी आ गया नदी का ऊपर, लेकिन एक भी मछली नहीं मिला अभी तक। 5 बज गया शाम का, आई थिंक 1:30 को हम लोग यहाँ पहुँचा था। अभी 5 बज गया, फिर भी एक भी मछली नहीं मिला। पता नहीं क्यों, अलग अलग चारा पूरा ट्राई कर रहा है, झुंगे को भी नहीं मिला। लेकिन ऐसे नदी में तो केटफिश रहता नहीं, वही मैं सोच रहा हूँ अभी तक शुरू से। कल झुंगे को यहाँ से 3.5 किलो का केटफिश मिला। यहाँ पे तो ऐसे नदी में केटफिश रहता नहीं है, और अगर केटफिश था फिर केटफिश वगैरह फिर ऐसा होता है कि जिस इलाका में वो रहता है वो एरिया में फिर बाकी जो छोटा मछली वगैरह होता है वो लोग नहीं रहता, वो लोग को पूरा वो लोग भाग जाता है या केटफिश खा देता है वो लोग को। फिर इतना बड़ा नदी है और यहाँ केटफिश मिलना कल डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है मतलब, पता नहीं कैसे। और 4-3 घंटा तो हो ही गया, एक भी नहीं मिला अभी तक। अभी तक इंतजार कर रहा है, ना हुआ ना, बिल्कुल ना हुआ। तो गाइस हम लोग नदी से वापस आ गए हैं। बारिश ज़्यादा हो गई है, देख सकते हैं पूरा कपड़ा भी भीग गया, पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक भीग गया। और पूरा यहाँ भी कीचड़ हो गया, पानी बढ़ने का भी खतरा हो गया। पानी का लेवल बढ़ रहा है। और जब भी ऐसा बारिश होता है तो ऊपर से इतना सारा कुछ खाने का बह के आता है कि मछली को दूसरा मतलब वो दूसरा चीज़ मछली खाता ही नहीं। ये बहाना भी है, सच्चाई भी है। तो अभी ख़त्म, ताम झाम समेट लिया हम लोग ने, गाड़ी में डाल दिया। अभी यहाँ से निकल जाएंगे आलो। और एक बार फिर से मैं फ्लॉप हो गया फिशिंग में। सो अभी इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।